नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अल्प प्रवास में ही रीवा के हवाई पट्टी पहुंचे, जहां कार्यकर्ता से मिले के बाद सिंगरौली खातिर रवाना हुई गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्वागत करे के लाने कांग्रेसन के खासा भीड़ इकट्ठा रही। यही समय पत्रकारन के सवाल का जवाब देत समय कमलनाथ कहिन के बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर शराब का औषधि बतौती हैं, जोने के सीधा अर्थ हबे कि शिवराज सिंह चौहान सरकार सबय का नशा में रखे चाहत ही, जौने के लाने सच्चाई उजागर ना हो। चंद्रमण शुक्ला जी हमारे यहाँ फोटो लेना, फोटो लेना। शिवराज जी सबको नशे में रखना चाहते हैं कि किसी को सच्चाई समझ ना आए, सच्चाई पहचान ना सके। आज तो मध्य प्रदेश का ये हाल है, हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, सब परेशान है। शिवराज जी के पास अब ये उपाय बचा है, सबको नशे में रखो, प्रयास करो कि सब नशे में रहें ताकि उन्हें कुछ देख ना पाए। इस समय में ही सरकार और प्रशासन रोजगार दे के बजाय रोजगार छीने के अभियान चलाए रही हवे। रसूखदारन के दबाव माए के और परिवारन का भुखमरी के कगार में धकेला जा रहा हवे, जो उनके बेचारे बेरोजगार अपने परिवार के कोनोमेर से भरण पोषण करत रहे, जिनका नौकरी राजनीतिक दबाव के चलते छीनी जा रही हवे। जहां अजय कुमार कुशवाहा अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षक का हटाए के महिला का नियुक्त कई दिन का, जो उनके एक ही समय में ही नौकरी के साथ है विश्वविद्यालय में ही नियमित कोर्सव करती ला हम। पीड़ित अब कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाए रहे हम, जहां पीड़ित बताएं के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार विकासखंड जवा में ही उनका नियुक्ति अतिथि व्यवसाय प्रशिक्षक के तौर में भय रही, जहां उनके द्वारा अध्यापन कार्य अच्छे से किया जा रहा, पर बिना कोनो पहले से नोटिस दी है उनके जगह में ही क्षमा तिवारी का व्यावसायिक प्रशिक्षक के तौर में रख दिन गहबे। और बच्चों का ये कहना है, वहां के प्राचार्य ने और कुछ शिक्षक मिलके बच्चों से खाली पेज में सिग्नेचर करवा लिए हैं। ने हमें लिखित दिया कि बिल्कुल हमें कोई पढ़ने से दिक्कत नहीं थी, और ये भी बोल रहे हैं कि सर आप आइए, एक आवेदन हमारे पास है, बच्चों ने इसमें सिग्नेचर भी किए हुए हैं। कि आपके विधानसभा में वर्तमान विधायक द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए, तो जो सच्चाई थी उसको मैंने उनके सामने उजागर किया कि वर्तमान विधायक द्वारा तो कुछ कार्य नहीं हुआ है, जो कुछ भी कार्य है पुराने विधायक माननीय अभय मिश्रा जी द्वारा कराए गए थे, चाहे जो भी बड़ा कार्य हो सिमरिया का, नवीन कॉलेज, झलवार पुल और बधरा पुल, सिमरिया बाईपास, सिमरिया का कचड़ा जो गाठी भर रहता। बुलेटिन की अगली खबर ही है मऊगंज से, जहां पुलिस के समझाइश के बाद वाहन चालक सड़कन में ही वाहन का खड़ा कहके यातायात के व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर ला हम, जिसके बाद अब थाना प्रभारी सख्ती बरतब शुरू कर दी है। नगर में ही गश्त के साथ है मऊगंज पुलिस, नगर के यातायात व्यवस्था का ही पटरी पर लावे के कोशिश में दिखा, जहाँ सड़क में ही फल से लोड पिकअप और कार यातायात व्यवस्था में अवरोध करत पाई गई, जोने के खिलाफ थाना प्रभारी श्वेता मौर्य चालानी कार्रवाई करीन। वही समय बगैर मास्क के घूमत रहे लोगन का ही रोको टोको अभियान के तहत मास्क का वितरण कई के समझाइश दीन गई है। जिला में ही चोरी की घटना रुके के नाम नहीं ले ला गया, जहां पुलिस चोरी होए के बाद FIR दर्ज कई के खाना पूर्ति कर लेती हैं। यहीं से जिला में अमेर के घटना बढ़ती ला हमा और बदमाशों पकड़े नहीं जाल लगा ही, जो ने किलाने अब यह साफ हो गया है कि खाली पुलिस FIR दर्ज कई के खाना पूर्ति कर रही है। ताजा मामला चोराटा थाना क्षेत्र के आए, जहाँ दिन दहाड़े घर के दरवाजे का ताला तोड़ के बदमाश घुसे और 40 तोला सोना, 26 तोला चांदी और साथ है 50,000 रुपये पार कर दी। पीड़ित घटना की जानकारी पुलिस का देन तो मौके पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कई के साक्ष जुटाइन ही और साथ है जांच पड़ताल के बात कह रही हैं। अपना का सुनाई थे पीड़ित का कहीं। वहाँ ड्यूटी में थे उस समय, मेरे कोई घर जब गए अपने कमरा तो मेरे को सूचित किए, तो वहाँ से भागते हुए हम यहाँ पहुँचे। अब अनंतपुर से आने में समय नहीं लगता है, बाइक से थे हम आए थे, देखे थे पाला थे, अंदर गए तो सारे सामान बिखरे हुए थे, इस
उसके बाद एक पड़ोसी चालू को लाइट जला दी जैसे साढ़े चार और छः दिन पड़ोसी हमारे यादव की बहू आई लाइट जलाने के लिए तो देखा कि गेट में ताला टूटा हुआ है अंदर लाइट जल रही है वो पुनः वापस जाकर के सबको बताई कैसे ऐसे सर के यहाँ ताला टूट गया है। बुलेटिन की अगली खबर ही वह गोविंदगढ़ थाना मावे वाले टीकर गांव से जहां शौच करे खातिर गए युवक के डूबे से मौत हो गई जिनका नाम विकास पटेल पिता मुनि प्रसाद पटेल उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है जयपुरवा थाना गुड़ के रहने वाले रहे अपने मामा के घरे टीकर गाँव आए रहे कल सांझ के शौच क्रिया के समय उनका पैर फिसले से डूब गए जोने के सूचना कंट्रोल रूम SDRF और होमगार्ड टीम का दिन जे 2 किलोमीटर में ही सर्च ऑपरेशन चलाए के शव का खोज निकाले हैं शव का गोविंदगढ़ पुलिस का ही सौंप दिन का हब तो भैया बहनी आज के बुलेटिन में इतने बघेली में खबर देखने के लाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूली नमस्कार।